सूर्यवंशी में कौन कौन सी जाति आती है, अर्थात सम्राट रघु के वंशज रघुवंशी कहलाते हैं। बहुत काल तक रघुवंशियों को इक्ष्वाकु, रघुवंशी तथा सूर्यवंशी क्षत्रिय कहा जाता था। मूल रूप से यह वंश भगवान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु से प्रारंभ हुआ था, जो सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश, ककुत्स्थ वंश व रघुवंश नाम से जाना जाता है। रावण को दशानन क्यों कहते थे? वो दस सिर हाने का भ्रम पैदा करता था, इसलिए दशानन कहलाता था। जैन शास्त्रों के अनुसार रावण के गले में 9 मणियों की माला थी। उन मणियों में उसका सिर दिखता था, जिससे दूसरों को 10 सिर होने का भ्रम पैदा हो जाता था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रावण बहुत विद्वान था। उसे 6 दर्शन और 4 वेद कंठस्थ थे, इसलिए उसका नाम दसकंठी भी था।